इंडिया में जितने भी हमारे हर धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, बंगाली, क्रिश्चन, ओड़िया, मद्रासी, और उनके ऊपर छठी मैया का आशीर्वाद रहे और हमेशा खुशहाल रहे। और इसी तरह हम लोग में हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बना रहे। मैं ईश्वर अल्लाह भगवान से यही दुआ करूँगा और छठी मैया से भी, ये किसी का नज़र ना लगे। आप तो देख रहे हैं, एक तरफ विष्णु सिंह जी हैं, एक तरफ हनुमान मंडल जी है, तो इसी को कहा जाता है मिनी इंडिया, कि हम लोग ना कभी धर्म भाव लेकर चलते हैं और ना कभी चलते रहेंगे। टीटागढ़ की धरती आपसी भाईचारा और संप्रीति की धरती रही है, जहां हर जाति धर्म के लोग हर पर्व और हर त्यौहार एक साथ मिलकर मनाने पर यकीन रखते हैं। ऐसी ही एक छवि बीते दिनों टीटागढ़ में देखने को मिली, जहां टीटागढ़ नगर पालिका 4 नंबर वार्ड के पार्षद मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल ने छठ पूजा के अवसर पर घाटों पर पूजा कर रहे श्रद्धालुओं को बधाई दी। साथ ही साथ पार्षद मोहम्मद रियाजुद्दीन और फरमान मंडल ने 5 नंबर वार्ड के पार्षद विष्णु सिंह के साथ मिलकर अमर संघ के द्वारा आयोजित सार्वजनिक श्री श्री छठ पूजा के मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पार्षद मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल ने मीडिया वालों से बात करते हुए अमर संघ की जहां तारीफ की, वहीं ईश्वर से देशवासियों की उन्नति और देश में एकता और अखंडता बनी रहे इसके लिए मनोकामनाएं भी की। स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नगर वासी को, पूरा हिंदुस्तान का, इंडिया में जितने भी हमारे हर धर्म के लोग हैं, और उनके ऊपर छठी मैया का आशीर्वाद रहे और हमेशा खुशहाल रहे। और इसी तरह हम लोग में हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बना रहे। मैं ईश्वर अल्लाह भगवान से यही दुआ करूँगा और छठी मैया से भी, ये किसी का नज़र ना लगे। मूल बात है कि यहाँ पर जिस तरह से अमर संघ के द्वारा यहाँ पर हर साल पूजा होते हुए आया है, यहाँ पर हमारे अभी कुछ ही समय में छठ मैया का जो है यहाँ पर उद्घाटन किया गया, जिसमें हमारे 5 नंबर वार्ड के काउंसिलर विष्णु सिंह जी मौजूद है, जिसको आज ये पीडीबी रोड जिस तरह से चमक रहा है। क्यों चमक रहा है? कि सारे यहाँ के लोग, छोटे से बड़े तक और बुजुर्ग तक, आ हमारी माँ बहन, सब मिलजुल के ये पूजा को सफल बनाया। मैं यही कहूँगा कि हम लोग पर ये छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे और हमारे टीटागढ़ में यहाँ के जितने लोग हैं सब खुशहाल रहे, और खास करके एपीडेमिक लोड के। अमन जी, आज पूरे देश में विभाजन की राजनीति चली जा रही है, लेकिन दोनों समुदाय के लोग आज एकत्रित होकर टीटागढ़ में छठी मैया का ये पावन पर्व मना रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कभी पूजा पाठ के लिए नहीं करना चाहिए। आप तो देख रहे हैं यहाँ पर, ये हम लोग कभी राजनीतिक नहीं किए हैं। आप तो देख रहे हैं, एक तरफ विष्णु सिंह जी हैं, एक तरफ हनुमान मंडल जी है, तो इसी को कहा जाता है मिनी इंडिया, कि हम लोग ना कभी धर्म भाव लेकर चलते हैं और ना कभी चलते रहेंगे। हमारे पर्व में मुहर्रम में आप देखिएगा तो विष्णु सिंह जी नज़र आएंगे लोगों को सेवा करते हुए। रामनवमी देखिएगा तो हनुमान मंडल जी नियर जो है यहाँ पर नज़र आएंगे सेवा करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बस भाईचारा हमेशा रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि आज ये भी युवा है, हम भी युवा है, हमारे श्री राज चक्रवर्ती, हमारे जो विधायक एमएलए है वो भी युवा है और चेयरमैन भी युवा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे वार्ड जो है टीटागढ़ बेरेपुर विधानसभा में जिस तरह से जगमग कर रही है, आप देख लीजिए यहाँ का हर एक जो हमारे काउंसिलर है सब काम कर रहे हैं, सब डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, इलाका का सजाने का लेके, लोगों का कोई सा परेशानी ना हो उनके मदद के लिए भी खड़े रहे, और क्या चाहिए। और जो चाह रहे हैं तोड़ने के लिए वो कभी ना कामयाब हुए हैं और ना जीवन में कामयाब होंगे। समुदाय के लोग कांधे से कांधा मिलाकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो समुदाय कोई मैटर नहीं करता है, इंसानियत मैटर करता है। तो अरमान मंडल जी दिल से एक
और कर्म से, दोनों तरीके से एक अच्छे इंसान हैं। हम दावे के साथ बोलेंगे और जिस तरीका से अमर संघ के द्वारा ये प्रोग्राम, ये पूजा मंडप सजाया गया है, उनके लिए हम बहुत थैंक्स बोलेंगे उन लोगों को जो इतने अच्छी तरीका से एक प्रोग्राम को सजाए हैं, और आने वाले दिन और भी अच्छा रहे, बस यही बोलेंगे। छठी मैया से क्या मनोकामनाएं रहेंगी नगरवासियों के लिए, खासकर टीटागढ़ नगरवासी? छठी मैया सभी को बुद्धि दे, विवेक दे, आने वाले दिन में सभी को उन्नति का मार्ग दिखाएं, बस यही बोलेंगे। सुख शांति बना रहे, बस यही हमारा और हमारा टीटागढ़ म्युनिसिपैलिटी का ये पैगाम है। शहर टीटागढ़ शहर तृणमूल कांग्रेस के आप प्रेसिडेंट हैं, और आपके इस शहर टीटागढ़ में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता की एक अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत अच्छा सवाल हमसे किए हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि है, आपने देखा होगा यही इसी धरती पर दुर्गा पूजा मुहर्रम एक साथ हुआ था। समाज के कुछ ऐसा व्यक्ति होता है, उसको नशा होता है किसी भी कार्य करने के लिए, सबका बस का बात नहीं है। सामाजिक काम करने के लिए देखा जाता है कि बिस्तर पर भी पड़ा रहता है आदमी, किसी को तकलीफ होता है तो फ़ोन करके काम करवाता है और बोलता है कि उस व्यक्ति को काम कर दो। वही हाल अरमान मंडल का हो गया है, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने हम लोगों को सुझाव दिया है। हम लोग लेके गए थे तो डॉक्टरों ने कहा कि उनको बोलिए रेस्ट लेने के लिए। हम लोग बार बार उनको कह रहे हैं कि आप इस हालत में मत चलिए, लेकिन जानते नहीं, ये नशा है जिसको राजनीति का नशा हो जाता है, और राजनीति करने वाले के लिए सबसे बड़ा ये नशा है समाज का सेवा करना। जो लोग समाज का काम करेंगे वही राजनीति करेंगे, जो लोग समाज का काम नहीं करेंगे तो वो राजनीति नहीं करेंगे। कहता हूँ कि हम लोग काउंसिलर हैं, प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, MLA हैं, MP हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात पहले आपको हम लोग को सोचना होगा कि हम लोग पब्लिक का सर्वेंट हैं, हम लोग पब्लिक का नौकर हैं। हम लोग उसी लिए पब्लिक हम लोग को उसी लिए वोट दे के जिताया है कि हम लोग पब्लिक के दुख सुख में रहें और प्रत्येक काम को करते हैं। जिस तरह हमारे माननीय आप लोगों ने मुख्यमंत्री को देखा होगा कि जख्मी हालत में भी वो प्रत्येक पूजा पंडाल में भी गई, वो सब जहां जाती हैं वो उस समय नहीं देखी। आप उस समय इलेक्शन के समय बहुत लोग बोला था कि वो पैर में बैंडेज बना कर घूम रही है, नहीं, उनका जुनून है, वो नशा है उनका राजनीति करने का। वो राजनीति करने वाला आदमी को आप कितनों भी घर में बांध के रख दीजिएगा, राजनीति करने वाला राजनीति करेगा, भले समय आएगा तो 2 मिनट और 2 महीना 3 महीना बैठ जाएगा, लेकिन समय आएगा तो फिर अपना वो राजनीति करते रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। उसी प्रकार बोल हम लोग के अंदर में एक नशा है राजनीति करने का, हम लोग राजनीति करते हैं। 1980 से स्थापित हुए थे, आज 43 ईयर्स हो गया। आज तक हम लोग APDB रोड में अमर संघ जिस तरह सेवा किया, आज तक टीटागढ़ का इतिहास है कि हम लोग उस तरह सक्सेसफुल करते हुए आज वार्ड नंबर 4 का काउंसलर अरमान मंडल के नेतृत्व में सभापति होने के नाते आज उससे भी अच्छा उत्सव मनाया गया।